यार इनको भाई किसको याद कर रहे हैं? और किसी को नहीं यार, किसको याद करूंगा? किसी का ना तो इंतजार है ना किसी का याद है। सुना हूँ खुशबू यार आपसे हमेशा मिलती थी, इस समय देख रहा हूँ कहीं मिलना नहीं हो रहा है, क्या बात है? कुछ नाराजगी उराजगी है क्या? नहीं यार, सुन नाराजगी क्या है, वो अपनी जगह पर खुश है, मैं अपने जगह पर खुश हूँ। नहीं नहीं, आप नहीं खुश दिख रहे हो। बताइए ना रिंकू भाई, कहाँ है आप उदास हो? कहाँ उदास हूँ यार शुभम भाई, खुश तो हूँ एकदम। आज मुझे इस उदासी का कारण जानना है, आपको बताना पड़ेगा। मैं खुश हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इस उदासी का कारण एक बात बोले शुभम भाई, मैं तो वही चाह रहा हूँ कि आप बोलो। लोग सिर्फ दिखावे का प्यार करते हैं यार, सच्चा प्यार कोई नहीं करता है। बात तो सही है। मैं बहुत ही नादान था जो उसके दो चार मुलाकातों को प्यार समझ बैठा। मैं बहुत ही नादान था जो उसके दो चार मुलाकातों को प्यार समझ बैठा। वो मुझे अपना टाइम पास समझती रही, वो मुझे अपना टाइम पास समझती रही, और मैं उसे अपना सब कुछ मान बैठा था। वाओ, यानी यार रिंकू भाई आप उस पगली को सचमुच सब कुछ अपना मान चुके थे, और वो पगली क्या करेगी आपको? कहते नहीं शुभम भाई, कोई किसी का है नहीं यार, सब खाली दिखावे का प्यार करते हैं, सिर्फ दिखावा है। दिखावा भी जरूरी होता है रिंकू भाई कभी कभी, लेकिन उस पगली को ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको धोखा नहीं देना चाहिए था। लेकिन चिंता मत करिए, नैना को होते हुए ना आपको चिंता करने की कोई फिक्र नहीं, नैना से आपको प्यार करवा देंगे। प्यार सबसे नहीं होता मेरे दोस्त, किसी एक से ही होता है। अगर सबसे प्यार हो जाए फिर वो प्यार कैसा? अगर सबसे प्यार हो जाए फिर वो प्यार कैसा? आगे बस वही है, क्योंकि सबसे प्यार नहीं होता मेरे दोस्त, ये दिल है, कोई धर्मशाला नहीं है जो कई लोग आके बस जाएंगे। लो ये आप बन रहे हो जोगी बाबा, जो धर्मशाला बना रहे हो। चलिए ठीक है, मस्ती बहुत होती है।